ट्रेडिंग एक आर्ट फॉर्म है, एक स्किल फॉर्म, इसको सीखना पड़ता है और जब तक आप ट्रेडिंग नहीं सीखते ना, आपका लॉस गारंटी है। सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबा, इंडेक्स व्यू 11 जुलाई 2023। कल फाइनेंशियल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। निफ्टी में आज काफी वीकनेस थी, गैप अप तो खुला लेकिन नीचे आया, क्लोज हुआ। अगर रिलायंस ना होता ना तो निफ्टी डाउन था। रिलायंस ने अकेले अपने कंधे पर रखकर निफ्टी को संभाल के रखा। रिलायंस ना होता तो निफ्टी डाउन था क्योंकि मार्केट वीक था। हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 19,350, जो मैंने मार्क किया है यहाँ पर, ये जोन है जो मैंने, मेरा कर्सर है यहाँ पर, वो टूटा है। अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आया है, क्रूशियल सपोर्ट 19,300 का, ये जो पैटर्न नजर आ रहा है ये मुझे थोड़ा वीक पैटर्न नजर आता है। अगर 19,300 ब्रीच हो जाएगा तो 19,200 भी देखेंगे, ये एक पॉसिबिलिटी। लेकिन एक बात पक्की है, जब तक ये 19,400 जो मैंने मार्क किया है वो पार नहीं करता, तब तक मार्केट ठंडा ही रहेगा, वीक ही रहेगा। स्ट्रेंथ मिलेगी जब 19,400 पार कर लेगा, तब तक नहीं, बस इतना ध्यान दीजिएगा। तो सबड्यूड मार्केट है, स्लगिश मार्केट है, वीक मार्केट कह सकते हैं। रिलायंस ना हो तो और वीक होता है। एनीवे, बैंक निफ्टी क्या लगता है? बैंक निफ्टी में तो ब्रीच हो गया 45,100 का, ये लेवल था। अब इसमें वीकनेस है, पॉसिबल है कि लोअर लेवल्स और भी देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी। कहां तक? 44,500, ये एक पॉसिबिलिटी। वोलेटाइल सेशन हो सकता है लेकिन थोड़ा वीक है। स्ट्रेंथ कहाँ दिखेगी? जब तक ये 45,350, मैं लिख ही लेता हूँ, 45,350, जब तक ये पार नहीं करता तब तक हम सोचेंगे कि मार्केट वीक है। बस मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है।